एक समय की बात है, एक गांव में एक हाथी रहता था जो कि पालतू था। हाथी का महावत रोज़ उसे नहाने के लिए नज़दीक के तालाब में ले जाया करता। रोज़ की तरह दोनों तालाब जाने के लिए निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक दर्जी से हुई। हाथी दर्जी की दुकान के सामने जाकर रुक गया और दर्जी को देखकर अपनी सूंड उठाने लगा। दर्जी हाथी को देखकर मुस्कुराया और खाने के लिए केला दे दिया और फिर हाथी अपनी सूंड को उठाकर वहां से खुशी खुशी चला गया। फिर अगले दिन भी हाथी उसी दर्जी की दुकान के पास आकर रुक गया और दर्जी ने फिर से उसे कुछ खाने को दिया और हाथी वहां से सूंड उठाकर चला गया और इस तरह से हाथी और दर्जी की दोस्ती हो गई। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हाथी जब जब वहाँ जाता, दर्जी उसे खाने को कुछ न कुछ देता और बदले में हाथी तालाब से लौटते हुए दर्जी के लिए एक कमल का फूल लाया करता। लेकिन एक दिन दर्जी का एक ग्राहक के साथ झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से दर्जी का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। हमेशा की तरह हाथी और उसका महावत तालाब जाने को निकले तो हाथी दर्जी की दुकान के सामने आकर रुक गया और उसने देखा कि दर्जी आज दुकान पर नहीं है। हाथी ने कई बार आवाज़ें लगाई पर दर्जी बाहर नहीं आया तो हाथी ने कुछ खाने की चाह में अपनी सूंड को दुकान के अंदर रख दिया। दर्जी का मूड पहले से ही अच्छा नहीं था क्योंकि कुछ ही देर पहले उसका उसके ग्राहक के साथ झगड़ा हुआ था। दर्जी बहुत गुस्से में था। उसकी सूंड को देखकर दर्जी ने हाथी को कुछ खिलाने की बजाय उसकी सूंड में जोर से सुई चुभो दी। हाथी दर्द से चिल्ला उठा। उसे बहुत दर्द हुआ और गुस्से में वो लाल हो गया। हाथी को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो अपनी सूंड को ऊपर नीचे झटकने लगा और वहाँ से चुपचाप तालाब की ओर चला गया। तालाब में नहाते समय उसे बगल में कीचड़ दिखाई दिया और उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी कि क्यों ना दर्जी को सबक सिखाया जाए। और फिर हाथी नहाने के बाद उस कीचड़ को अपनी सूंड में भरकर वहां से लौटने लगा। हाथी जैसे ही दर्जी की दुकान के सामने आया तो उसने दर्जी को देखकर अपनी सूंड में भरा हुआ सारा कीचड़ दुकान के अंदर डाल दिया जिसकी वजह से दर्जी की दुकान में रखे सारे कपड़े खराब हो गए और दर्जी भी कीचड़ में नहा गया। दर्जी आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसी तरह से दर्जी को उसकी करनी का फल मिल गया। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।